हम सब ऑर्डिनरी हैं, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। इस ऑर्डिनरी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ बता, सफलता का कोई सूत्र बता। मैंने कहा योगी सरकार की 5 उपलब्धियां बताओ पिछले 5 साल की। नहीं वो सब नहीं पता, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। 4 लोग खड़े हैं, बात हो रही। अखिलेश यादव और योगी दोनों दोस्त हैं पक्के, तुम्हारी नजर में दुश्मन होंगे। दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सकता। भारत का वर्ल्ड कप में एक मैच हारना बहुत जरूरी होता है, एक हारते हैं तभी होश में आते हैं। लेकिन अगर तुम बहुत गौर से अपने चारों तरफ देखो, कुछ लोग बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। अरे चाचा शिकार करने गए थे, शेर को पकड़ लिए थे, फिर शेर पटक के फाड़ डाला चाचा को। अगर इस तरह की तुम्हारा दिनचर्या है तो तुम छोड़ दो ये तैयारी, तुमसे नहीं हो पाएगी, तुम कभी नहीं कर पाओगे, गारंटी। कोई भी चीज तुम्हें अगर पानी है, कोई भी आईएस, तो बहुत छोटी चीज है। क्योंकि हमारे देश में तपस्या उन लोगों ने की जिनको भगवान पाना था, तो हमें लगता है कि तपस्या मतलब साधु नहीं। जिसको भी किसी बड़ी उपलब्धि को पाना है उसे टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, वही फॉर्मूला ही है और कोई फॉर्मूला ही नहीं। इसलिए तुम चाहे जितनी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, चाहे जितना पैसा खर्चा कर दो, अगर तुम खुद को बदलने को तैयार नहीं हो तो कोई भी कोचिंग तुम्हें सूट नहीं करेगी। इसलिए इकरा ने एक कोर्स शुरू किया, एनसीईआरटी फाउंडेशन, जिस तरह से ये पढ़ा रहे हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। कोचिंग क्यों सफल हो रही थी? क्योंकि तुम्हारा बेस मजबूत था नहीं। आधे से ज्यादा तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के, तुमने ह्यूमैनिटीज 10th के बाद छोड़ दिया, तो तुम क्लास में सवाल कर ही नहीं पाते थे। इसलिए इन्होंने कोर्स शुरू किया, शायद वो 6 महीने का कोर्स है, 6 या 5 महीने का, 3 महीने एनसीईआरटी। कि पहले तुम ह्यूमैनिटीज की सारी एनसीईआरटी पढ़ो, अपना बेस मजबूत करो, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस हिस्ट्री का। उसके बाद जब तुम एडवांस फेस में बैठोगे तब तुम्हें कुछ बात कनेक्ट होगी, हो पाएगी। ये इस सूत्र को पैदा किया किसने, फॉर्मूले को? ड्यूप्ले ने। पर इसका इस्तेमाल किसने किया? क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तुम्हें कोई कुछ ना बना पाएगा बेवकूफ बनाने के सिवा। जो भी बनोगे वो तुम खुद ही बनोगे। इसलिए जब भी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ने की कोशिश करना तो एक बात देखना, दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो। तुमको अपने आप को बदलना होगा। सिर्फ तो आईएएस की तैयारी में इतने लोग आते हैं, आधे ज्यादा 70% तो पहले निकल जाते हैं। क्योंकि इसका जो पहला चरण है खुद को बदलना, वो बहुत खतरनाक है। इसका पहला चरण ही तो खतरनाक है। अब तुम कॉलेज में कहां, तुम कॉलेज में 8 घंटा पढ़ने के आदि थे। एग्जामिनेशन से पहले 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गया, तुम लिखा है। उसके बाद या तो तुम घर की राजनीति कर रहे हो, या मोहल्ले की, और या गांव की, और कोई नहीं मिला तो प्रदेश की। क्या था कहानी, क्लियर? तुम जब भी गुलामी करोगे, जब भी तुम गुलाम होगे, तो उसकी बस एक वजह होगी, तुम्हारी आंतरिक कमजोरी। दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका, और वो है भेड़िया। एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में जिसको आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया। क्योंकि अगर तुम भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो वो उस इलाके को तबाह कर देंगे। बड़ा गजब का सोशल संगठन है उसका, उनका।
भेड़ियों में स्त्री को लेकर कभी लड़ाई नहीं होती। भेड़िया जो समाज है, वो जो बुजुर्ग भेड़िए हैं वो शिकार पे नहीं जाते, जवान शिकार करते हैं, वो लेकर आते हैं, पहले बुजुर्गों को देते हैं फिर खाते। उनको तुम बंदी बना लो, मौका पा जाएंगे तुमको फाड़ डालेंगे, चाहे जितना खिलाओ। इसलिए आज तक भेड़ियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पहले जमाने में जब औरतें को पीरियड होता था तो उन्हें मंदिर मंदिर जाने के लिए रोका जाता था, क्योंकि भेड़ियों की जो सूंघने की क्षमता है वो 14 किलोमीटर की है, मतलब 14 किलोमीटर से उन्हें खून की बू आती है। तो स्त्रियों को बाहर निकलने से मना किया था। एक सबसे बड़ी वजह यह थी, एक वजह, सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच गई और वो उधर से निकल आया, उसकी एक वजह यह थी कि पीरियड में स्त्री को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। एकमात्र जानवर है भेड़िया, कभी डिस्कवरी पर उनका एपिसोड देखो, बाकी शेर को गुलाम बनाया गया। चाइना वाइना में तो बच्चे बच्चे हैं, वो नचाते हैं शेरों को। ताकत कहां है? अपने अंदर। कहीं अपनी सोसाइटी में देखे कि कोई बैंगलोर का आदमी आएगा, भैया हमारा बैंगलोर, हम यहीं बसना चाहते हैं, कोई नहीं। यहां का जो चला गया वो नहीं आना चाहता। आपके शहर से जो बैंगलोर में रह रहे होंगे, हैदराबाद में रह रहे होंगे, अहमदाबाद में रह, वो नहीं आना चाहते। और जो अमेरिका चले गए वो तो देखना नहीं चाहते इधर, वो तो सिर्फ इसलिए कि भाई पता नहीं कब देश कानून बना दे कि बाहर के लोगों को बाहर भेजो। तो एक अपने मातृभूमि से जुड़ाव बना रहना चाहिए। विकल अमेरिका कानून पारित कर दे कि भारत के लोग सारे भारत के लोगों को बाहर भेजो, पढ़ाओ इनको, तब कहां जाएंगे? तो हर 2-3 साल पे यहां आते रहते हैं, पुराने मकान की पेंटिंग उंटिंग करा लेते हैं। जब तुम्हारा प्री निकल जाएगा आईएएस का ना, तो मेंस निकलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि प्री की विजय तुम्हें इतना उत्साह दे देगी, कभी कभी ज्यादा दे देती है, कभी कभी विजय भी खतरनाक होती है। जैसे भारत की टीम जब भी सेमीफाइनल फाइनल में, सेमीफाइनल से अगर 2-3 मैच लगातार जीतती चली आती है तो सेमीफाइनल में हार जाएगी। भारत का वर्ल्ड कप में एक मैच हारना बहुत जरूरी होता है, एक हारते हैं तभी होश में आते हैं। अगर ये लगातार सारा मैच जीत रहे हैं तो ये भाई साहब सेमीफाइनल में लेटेंगे, फिर ये जाके बाहर निकलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट में इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इनको लगता है 4 मैच जीत गए अब तो पेप्सी का टेंडर मिल ही जाएगा इस साल। बांग्लादेशी इसलिए नहीं जीतते क्योंकि अगर वो जीते तो उनके घर में इंक्वायरी बैठ जाती कि तुम जीते कैसे, तुम तो इतना अच्छा खेलते नहीं हो। तो बेचारे जानबूझ के हारते रहते हैं, पूरी दुनिया में हारने पर इंक्वायरी बैठती। बांग्लादेश एक मुल्क है कि अगर वो किसी दुनिया की बड़ी टीम को हरा दे तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती। तुम ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा दिए? हम सब ऑर्डिनरी हैं, इस बात को मैं बार बार कहता हूं, हम सब ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी हम सब। इस ऑर्डिनरी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। आज सुबह एक लड़का हमसे कहा, कोई एक मंत्र बता दीजिए। मैंने कहा पुरोहित है मैं, मंत्र बता दे? नहीं नहीं कुछ बता, सफलता का कोई सूत्र बता दीजिए। हमने कहा और बताओ, आलिया भट्ट के बारे में क्या जानते हो? मंगू भाई पिक्चर अच्छी है, लगा कहानी सुनाने। हमने कहा अच्छा योगी जी जीत गया तुमको कह रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा योगी सरकार की 5 उपलब्धियां बताओ पिछले 5 साल की। नहीं वो सब नहीं पता लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। हमने कहा कुछ ना कर पाओगे, इसलिए नहीं कि तुम योगी के जीतने में खुशी हो, खुशी किस वजह से हो तुम्हें पता ही नहीं। एक जिंदा दिमाग जब खुश होगा तो उसकी खुशी की वजह होगी ना,
तुम दो तरीके की बातें करते हो, एक समय काटने के लिए, चार लोग खड़े हैं बात हो रही है, बात हो रही है कि मायावती के पास 5,000 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट नोएडा में है, ऐसा है वैसा, ऐसी बातें जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो तुम्हें कभी राइज नहीं करने देंगी। अगर तुमने 4 घंटे बात की और कुछ सीखा बात करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम बहुत गौर से अपने चारों तरफ देखो तो कुछ लोग बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, अपने घरों की कहानियां सुना रहे हैं। हमारे चाचा शिकार करने गए थे, शेर को पकड़ लिए थे ऐसे, फिर शेर पटक के फाड़ डाला चाचा को। दो तरह की बातें होती, एक समय काटने के लिए, एक सीखने के लिए। कुछ लोग हैं रात रात भर मूवी देखेंगे, रात रात भर सीरीज देखेंगे, रात रात भर पिक्चर देखेंगे, और उनको तुम राम कथा में बैठा दो उनको नींद आने लगेगी, उनको नींद आने लगेगी। मुंबई में एक आदमी है, वहां पे एक सिनेमा हॉल है राजकमल, बांद्रा स्टेशन पे शायद या बीटी पे, वहां वो वाली मूवी आज तक चल रही है, हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आज तक चल रही। वो बंदा डेली देखने आता है, ये तुम गौर करना डेली। इसलिए मैं तो तुमसे कहता हूं डायरी बनाओ, शाम को सोने से पहले अपनी डायरी में झांक कर देखो कि आज तुमने क्या क्या किया। तुम पंडितों पे चर्चा कर रहे हो कि पंडित जात अच्छी नहीं है, ये है वो है, तुम दलितों पे चर्चा कर रहे हो, चार मुसलमान बैठे हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अगर इस तरह की तुम्हारा दिनचर्या है तो तुम छोड़ दो ये तैयारी, तुमसे नहीं हो पाएगी। तुम कभी नहीं कर पाओगे, गारंटी, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज सेव होगी, चाहे ड्रामा सेव कर लो चाहे थ्योरी सेव कर लो, और सेव जरूर होगी, और ऑटो फंक्शन है दिमाग का, कुछ चीजें खुद ही सेव कर लेता है, तुमको कहने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ समझदार लोग दुनिया के रैशनल, और दूसरी तरफ दोस्ती जाति पर नहीं होती शाही वर्ग की। अखिलेश यादव और योगी दोनों दोस्त हैं पक्के, तुम्हारी नजर में दुश्मन होंगे। अखिलेश यादव फोन करेंगे ना अभी योगी जी को, सारा काम होगा उनका, क्योंकि सत्ता परिवर्तन का खेल है, आज हमारे पास है कल तुम्हारे पास है। यही तो है शाही वर्ग, कितना गाली दिए चुनाव भर दोनों एक दूसरे को, कितना दिए, लेकिन फिर भी दोस्त है। और आम आदमी एक दूसरे को देख के मुंह घुमा ले रहा है।